सुल्तानपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर में लगा इन्वर्टर, भगवान शिव का कलश, लड्डू गोपाल का पालना, चना अमृत पात समेत बर्तन किया गायब। संग्रामगढ़ में बाजार स्थित एटीएम से तीन संदिग्ध युवक को संग्रामगढ़ पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा। तलाशी के दौरान तीनों के पास मिले का एटीएम कार्ड पुलिस पूछताछ में जुटी। सुल्तानपुर इनोवा सवार दबंगों की करतूत, सड़क चौड़ीकरण में लगे मजदूर को बेवजह पीटा। बीती रात करीब 11 बजे की घटना, नगर पालिका के सामने मजदूरों को पीटकर इनोवा सवार दबंग फरार। पाकिस्तान में 2020 में बच्चों के साथ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बच्चों के साथ यौन शोषण, अपहरण और नाबालिगों की शादी, सभी मामलों के आंकड़े बढ़े। दुष्कर्म पर बयान देकर फंसे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, माफी की मांग उठी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को ताइवानी समकक्षों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाली देश की नई नीतियों की जानकारी दी। ब्रिटेन में जन अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तान में कराची की जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोरोना का कहर ब्राजील में फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा। पिछले 24 घंटे में यहां पर 93,000 से ज्यादा मामले के साथ 3,693 लोगों की मौत हुई। नासा का इंजेविनिटी मार्स हेलीकॉप्टर इतिहास रचने में सिर्फ 2 दिन दूर है। पहला मौका होगा जब दूसरे ग्रह पर एक विमान के संचालन नियंत्रित उड़ान में मानवता को कामयाबी मिलने वाली है। पाकिस्तान में 2011 में अचानक लापता हुए 16 खनिकों की सामूहिक कब्र मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को एक सामूहिक कब्र मिली जिसमें 16 कोयला खनिकों के शव थे। बाइडेन प्रशासन ने 7 चीनी सुपर कंप्यूटर रिसर्च लैब और निर्माताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन ने कहा कि चीनी सेना हथियारों के विकास में इन कंपनियों के सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रही है। चीन ने कहा है ताइवान पर आग्रह को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा। ताइवान ने दक्षिण अमेरिका देश को वैक्सीन दिलाने के लिए न केवल भारत से वार्ता की बल्कि उसे तत्काल 1,00,000 खुराक भी दिलवाई। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने की लड़ाई में भारत एक अहम साझेदार है। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगल मार्कल ने प्रिंस फिलिप के निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। शाही परिवार से अलग होने के बाद यूएस में रह रहे कपल लेकर अब ये अटकलें लग रही हैं कि वे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं।
जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने शुक्रवार को कहा कि पेरिस समझौते में अमेरिका की वापसी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में कुछ स्थानीय मौलाना और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी उलेमा ए इस्लामी के सदस्यों के नेतृत्व में भीड़ द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 3.48 करोड़ रुपए जारी किए गए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। वह 99 साल के थे। प्रिंस फिलिप की हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हार्ट इन्फेक्शन का इलाज कराने के बाद वे घर लौटे थे। मिनी डेंज ने रैंकिंग सदस्य जिम रिसर्च के साथ 286 वाली अधिनियम को पेश किया है। सीनेट की विदेशी मामले की समिति इस विधेयक पर चर्चा करने वाली है और 14 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके बाद इसे सीनेट भेज दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि कोवैक्स कोविड-19 रोधी टीके की उपलब्धता कम होने के बाद भारत में इसकी मांग बढ़ने के बावजूद सभी देशों को टीके मुहैया करा सकता है। गर्भवती महिला दोबारा हुई गर्भवती, जुड़वा बच्चे को दिया जन्म। रेबेका रॉबर्ट्स की प्रस्तुति रोग विशेष डेविड वॉर्कर ने कहा, रेबेका की गर्भावस्था मेडिकल इतिहास में दर्ज बेहद कम सुपरफेटेशन मामलों में से एक थी।